मकर संक्रांति का पर्व विभिन्न योग संयोगों में मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहर के प्रमुख मंदिरों में पतंगों डोर की झांकियां सजाई गई है। यहां के गोविंद देव जी मंदिर में ठाकुर जी को सोने और चांदी की पतंग और चरखी अर्पित की गई। इसके साथ ही फेनी गुड़ तिल के व्यंजनों का भोग लगाया गया। साथ ही भक्तों ने दर्शन कर सुख समृद्धि और कोरोना से मुक्ति की कामना की। वहीं सरस निकुंज दरीबा पान में विशेष झांकी सजाई गई और कंबल वितरित किए गए। डिस्टेंस पालन करो, कोरोना का पालन करो, डिस्टेंस पालन करो। क्रांति भुवन भास्कर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते ही मकर संक्रांति का महापर्व शुरू हो जाता है। सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो सूर्य पुत्र शनि और सूर्य में वैर कहा गया है, तो इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। दो माह सूर्य शनि की राशि में रहेंगे और जैसे ही वह शनि की राशि में प्रवेश करते हैं मकर संक्रांति के दिन, उस दिन दान पुण्य का विशेष दौर चलता है। तिल स्वरूप शनि का दान और गुड़ स्वरूप सूर्य के दान के साथ ही गो माता को चारा, साथ ही अपने से बड़ों को वस्त्र पहनाने का भी आज के दिन आदिकाल से रिवाज रहा है। आज दान पुण्य का विशेष